पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है ये सबूत है। समझ में आ गई बात। ओपन चैलेंज करता हूं आपके नेताओं को, इसको गलत साबित करके दिखा दे, 18 मिनट की पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा, ठीक है ना। जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे। सुन लीजिए एक बारी और, सुन लीजिए, भक्ति सारी निकाल देंगे आपकी। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए। पहला वर्ड क्या बोलते हैं साहब, देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। सुनते रहिए, आप लोग सुनते कम है इसलिए सीखते नहीं है, इसलिए देश को बेच खाए हैं आप लोग, ठीक है। युद्ध कराने की जरूरत नहीं, आपके कहने से युद्ध नहीं हो रहा है जी, बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते। आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, पूरी भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। तो देश के जवानों को शहीद करवाना है, गांव जिले कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा, कोई किया था कुछ भी नहीं, अभी चुनाव है, देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेले। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति या पीछे तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं करते हैं। कश्मीर में, कश्मीर के आसपास ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे, 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जनमन का कोई इंतजाम करें, देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है, शहीदों के ऊपर बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है उनकी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या, ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स? मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी, वैसे भी मैं नहीं करूंगी ये तो कोई और कर देगा। बॉम ब्लास्ट करवाना है, बॉम ब्लास्ट करवा देंगे, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा, आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या, डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है, और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं जी, ये भी था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे, वैसे भी आप ही कहते हैं ना जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, अब और क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ काम शाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ, पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ, आपकी मीडिया को और आप लोगों को डाउट था, मगर किसी के पास सबूत नहीं था। क्या होता है, अजम्पशंस पे काम नहीं होता है दुनिया में, यू नीड टू गिव अ सॉलिड प्रूफ, एंड इफ यू वांट टू चैलेंज द प्रूफ, चैलेंज द प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीडिया ट्रायल नहीं होता है हमारा, आई डोंट बिलीव इन मीडिया ट्रायल, ओके। पुलवामा और उड़ी सेटअप है, ठीक है। देश की वर्दी से बढ़िया तुम्हारे नेता का कुर्ता पजामा या धोती नहीं हो सकती। अगर मैं चाहता, अगर मैं चाहता ना, तो ये रिकॉर्डिंग पे मुझे मुंह मांगी कीमत मिल सकती थी, मुंह मांगी कीमत मिलती, मगर देश को हम बेचते नहीं है तुम्हारे नेताओं की तरह या तुम जैसे जो देशभक्त बैठे हैं फर्जी, हम नहीं बेच सकते। 500 करोड़, 1000 करोड़ जो मेरी जबान खुलती इनको झक मार के देना पड़ेगा, मगर नहीं, जो पहले भी पैसा आया था वो अभी बटेगा, देख लेना 2 दिन में।
समझ में आ गई बात। एमकेडी के लेवल से टकराओ मत, बचपना मत दिखाओ। हम जब कर रहे हैं ना काम, देश हित में कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के हित में कर रहे हैं। 13-14 तारीख, 14 तारीख को जब फुलमामा हुआ था, 12 तारीख 13 तारीख की औरत बोल रही है और 14 तारीख को हुआ था, ठीक है ना। मेरे पीछे बहुत मीडिया पड़ेगी, वर्ल्ड न्यूज थी, पाकिस्तान मीडिया ही पड़ेगी, मगर मैं सत्य के रास्ते पे चलूंगा जो गीता में लिखा है। जो तुम्हारा नेता बोलता है उस रास्ते पे मेरे को चलने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। और मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोगों में इतना दम नहीं है देश में बैठ के कि इनके खिलाफ बोल सको। समझ में आ गई? तुम्हारी देशभक्ति सारी निकाल देंगे एक मिनट में। फौजी के बेटे हैं, फौजी की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिविल पॉपुलेशन नहीं है हम, वी आर पॉपुलेशन विच वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप अराउंड यूनिफॉर्म्स, ओके। अगर हिम्मत है ना तुम लोगों में, गुर्दा है, तो कल रोड पे निकल जाओ और पूछो और बोलो इन लोगों को कि अभी डांडिया को चैलेंज करें। बोलो इन लोगों को, बड़े बड़े नेता बनते हैं ना ये, बोलो उन लोगों को अभी डांडिया को चैलेंज करें। मैं इनको गलत साबित करता हूं इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि आप बात कर रहे हो, तुम लोगों में भेजे भेजा नहीं है। और एक और बात बता देता हूं मैं, जो भी आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स ने किया है उसका श्रेय बीजेपी मत ले। 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूं मैं, जितने भी होर्डिंग लगा रखे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम से, और आप लोग जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे होर्डिंग उतर जाने चाहिए इंडिया में से। और पूरी मीडिया को मैं एक बात बता रहा हूं, जितनी भी मीडिया पढ़ी है, अगर तुमने बवंडर फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे बता देता हूं, ऊपर टॉप नॉच जो 4-5 बैठे ना एंकर, तुम लोगों को भी नंगा करके मैं खड़ा कर दूंगा, नंगा करके। है तुम किससे बात करते हो, तुम कहां बात करते हो, ये सब मेरी जानकारी में है सब चीज। और देश हित में मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और कुछ भी उल्टा सीधा चीज ट्राई मत करना, कुछ भी, क्योंकि मेरे अलावा 8 जने ऐसे हैं जिनके पास ये सब सामान है और वो सच्चे देशभक्त हैं।